अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम, करम अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक जी। आज मैं आपको फूल बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह से फूल की ड्राइंग बना सकते हैं। आप कोई मखसूस फूल भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं, पेटल्स ड्रा करके कुछ भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये फूल जब भी बनाए हमेशा मिड में छोटा सा राउंड बना लिया करें, इससे इजी होता है। देखिए वैसे मैं आपको फ्लावर बनाना सिखा रही हूँ, कोई सा भी ले लें। मैंने इसकी एक पेटल ड्रा की, जी। अब ये सेकेंड, सेकेंड पेटल ड्रा की है। अब ये थर्ड है। आप पेपर को साथ साथ साइड पे करते जाएं, जिस जिस तरफ आपने पेटल बनानी है, देखिए मूव करते जाएं। मैं साथ साथ मूव कर रही हूँ। देखिए एक और पेटल बना ली। ये कंप्लीट हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है, आप इनकी साइड्स भी डबल कर सकते हैं, ये देखें, और सिंगल भी इजीली। इनको छोटे छोटे डॉट डाल दें, जिस तरह से पुरकार टाइप से होते हैं। इधर ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये चेक करें, ये इधर इस साइड पे छोटे छोटे उससे डॉट डालेंगे तो इधर से आसानी से कटिंग हो जाएगी। ये देखें, उसे एक दफ़ा डॉट डालें और एक दफ़ा इस तरह से, जिस तरह पेंसिल से लाइन नहीं लगाते, ड्रा करते हैं, सेम एज इट इज़ आपने करना है। पुरकार की या कोई भी नुकदार चीज़ ले लें, उससे इजीली कटिंग हो जाएगा। सीज़र से भी कर सकते हैं, सीज़र से बहुत अच्छी कटिंग आती है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और अगर आप इसमें डिज़ाइनिंग भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे येलो फ्लावर्स होते हैं ना येलो पेपर पे, उससे थोड़ी थोड़ी कटिंग करके वो आप इसके अंदर भी लगा सकते हैं। इस तरह आपको मैं मेहंदी के डिज़ाइन भी सिखाऊंगी साथ साथ, कि मेहंदी के डिज़ाइन कैसे बनते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको फूल को आगे कैसे कैरी करते हैं, आगे कैसे लेकर जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैंने आपको ये एक छोटा सा फूल ड्रा करना सिखाया है, इसकी पेटल्स बताई हैं। शुरू शुरू में बंदे से मिस्टेक होती है, ड्राइंग अच्छी नहीं होती। आप स्टार्ट जब लें तो आप पेंसिल को बिल्कुल हल्का से करें, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिस की हुई है, मुझे तो सही आता है ना, इसलिए मैंने एकदम से कर दिया। लेकिन देखें फिर भी परफेक्शन नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता बंदा काम करता रहता है तो परफेक्शन आ जाती है, ठीक है। ये नहीं कि फ़र्स्ट टाइम ही ड्राइंग करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। फ़र्स्ट टाइम आप पहले रफ पेज पे करें, फिर उसके बाद कलर पेज पे करें। कोई से भी हर शॉप से रफ नोटबुक्स मिल जाती हैं, आप वो ले लें। वैसे एक और चीज़ है, नोटबुक्स ज़्यादा बेहतरीन है, रजिस्टर हैं घर में उन पे कर लें, कोई एक्स्ट्रा पेपर्स पड़े हैं उन पे, और बेहतरीन है न्यूज़पेपर हैं अगर आपके घर में, आप उनसे पेन पे ड्रा करें और कटिंग करें, प्रैक्टिस उस पर कर लें। न्यूज़पेपर बहुत ही बेस्ट है। आप मार्कर से उस पर ड्रा करें, न्यूज़पेपर पे मार्कर से ड्रा करें, क्योंकि मैं तो पेंसिल से करती हूँ ना, आप उधर न्यूज़पेपर पे मार्कर से ये फ्लावर ड्रा करें और कटिंग करें। जब से परफेक्शन आ जाए तो फिर पेज पे करें। बच्चों को भी इस काम पे आप लगा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। ये छोटे छोटे जब कोई चार्ट बनाते हैं या कुछ इस तरह से
चार्ट के कॉर्नर पे भी। बस बच्चों को एक्टिविटी मिलती है स्कूल में कि चार्ट बना के लाएँ, इकबाल सही पर या इस तरह कायद आज़म इल्लामा इकबाल, तो इल्लामा इकबाल का नाम लिख कर टाइटल देकर हम साथ में ये स्टार्ट और एंड दोनों पे हम ये फूल लगा सकते हैं, रेसिपी डेकोरेशन कर सकते हैं। और कप वगैरह पे भी जो डेकोरेशन घर में हमने रखे होते हैं, बस गिलास कप जो हम यूज़ेबल नहीं होते उन पर भी ये पेस्ट करके रख सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं जी। ये तो आज मैंने आपको फूल बनाना सिखाया और इसके यूजेस बताए कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चार्ट पर लगा सकते हैं, डेकोरेशन पीस के तौर पे बना के रख सकते हैं। ग्रीन पत्तियां मैंने आपको कल बनानी सिखाई थी, पत्ते आप वो भी इनके साथ इधर ये देखें, मैं उसकी भी ड्राइंग आपको बता दूँ। इस तरह से ठीक है, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आप पेटल भी बना सकते हैं और लीव्स भी ठीक है। ये इसके पत्ते हो गए, इस रस्सी देखें, आपको क्लियर नजर आ रहा है? इस लाइन को मैं डबल कर देती हूँ। जी अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, इस तरह से आप इनके साथ लीव भी ड्रा कर सकते हैं। और जब आप ये ड्राइंग कंप्लीट कर लें और कटिंग कर लें तो ये जो इसके अंदर लाइन्स हैं आप ये ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये वाली लीव्स जो हैं आप ग्रीन पेपर पे ड्रा करें, या फिर ये आपने इधर कटिंग कर ली इसके मुताबिक ही ग्रीन पेपर पे ड्रा करके उधर से कटिंग करके इधर पेस्ट कर लें ठीक है। और ऊपर ग्लिटर्स लगा दें वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, जज़ाकअल्लाह।